आखिर कितने राज हैं और किस तरह के राज हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। इंडियन न्यूज रिपोर्टर शिवानी की रिपोर्ट देखते हैं। 48 वर्षीय मनसुख हिरेन की मौत के बाद से जो सनसनी फैली है उसमें अब नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। फिलहाल मनसुख की दुकान के बाहर हम मौजूद है जो कि उनकी मौत के बाद से लगातार बंद है, जहां आप देख सकते हैं कि उनका जो एक बहुत बड़ा पोस्टर है वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के रूप में लगाया गया है। साथ ही साथ यहां फूल रखे गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये भी है कि क्लासिक मोटर्स, जो इनका क्लासिक कार डेकोर का जो पूरा ये शोरूम था, जो दुकान थी पूरी की पूरी, वहां पर एक भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है जिससे कि उस दिन उस रात की घटना की किसी भी तरीके की तस्वीर पाई जा सके। बताना चाहेंगे एटीएस द्वारा जो 12 टीमें बनाई गई हैं उसमें से एक टीम जो है फिलहाल वो एपीआई सचिन वाजे से भी पूछताछ करेगी कि आखिर वो उस रात में अस्पताल क्यों पहुंचे थे कालवा के, और आखिर उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स और उस पूरे स्टाफ से रात में क्या बात की पोस्टमार्टम के बिल्कुल पहले। और इसके अलावा जिन डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी और उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जब फर्स्ट हैंड उन्हें बॉडी मिली थी तो उसमें क्या किस तरीके की जांच पड़ताल में बातें सामने आई हैं और किस तरीके से वो जो शव था वो आया है। तो सचिन वाजे पर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की तलवार लटकी हुई है। देखना ये होगा कि सचिन वाजे से पूछताछ करने के बाद, डॉक्टर्स की टीम से पूछताछ करने के बाद इस पूरी हत्याकांड या फिर इस पूरे सुसाइड केस में किस तरीके के नए बदलाव और खुलासे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस पूरे मसले पर बीजेपी शुरुआत से ही सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हिरेन मौत मामले में किस तरह के दावे कर रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। था कि मनसुख हिरेन, इनकी जान को खतरा है क्योंकि इस सारे मामले की सबसे बड़ी कड़ी ये वही है, और उसके बाद उनका शव मिला, उनकी लाश मिली, और ये मामला एटीएस को जाने के बाद तथ्यों के आधार पर और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एटीएस को यह ध्यान में आया कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, इसलिए उन्होंने हत्या और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास, इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया है। हम इस पर नजर रख के हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एटीएस सही ढंग से आगे जाएगी तो सत्य बाहर आएगा। शायद की गई इस प्रकार का संशय उनकी पत्नी श्रीमती विमला हिरेन इन्होंने व्यक्त किया है। इसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आईपी 302, 201 और 120B के तहत हत्या का गुनाह दाखिल किया गया है। आपको यह भी पता है कि मुकेश अंबानी इनके घर के बाजू में जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की कांडिया या जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी उसका भी शोध जारी है, और मनसुख हिरेन इनके मृत्यु का जो गूढ़ है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके महाराष्ट्र पुलिस जो भी कोई इसमें आरोपी होगा उसको सजा देंगी। बहुत है लेकिन संताप है। उनका स्पष्ट कहना है मेरे पति का कहीं कुछ भी आज तक कहीं नाम नहीं। कहता है ठाकरे सरकार पहले दिन से माफियाओं की सरकार बन गई है, एक बाजू भ्रष्टाचार करके पैसा लूटना और दूसरी ओर पुलिस का गुंडों की तरह उपयोग करके लोगों की बोलती बंद करना, खुद सरकारी धमकियां देती है। जो पुलिस ऑफिसर वो भी इसी प्रकार का माफिया ऑफिसर है। हम चाहते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो और वहां हम इस परिवार को न्याय मिलाकर देंगे।